चल रहे एशियन क्रिकेट गेम्स की ग्रुप स्टेज मुकाबले में सभी 9 टीमें दो दो मुकाबले खेलेंगी, जिसमें से ग्रुप ए की टीम नेपाल ने अपने दोनों मैच पूरे कर लिए हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि नेपाल ने खेले दो मैचों में ऐसे 5 रिकॉर्ड बना डाले हैं जिनमें से कुछ को तोड़ने के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता, और कुछ ऐसे कारनामे भी किए हैं जिनको तोड़ने के लिए बड़े से बड़े खिलाड़ी बहुत साल लगा सकते हैं। तो इनमें से पहला रिकॉर्ड आता है दीपेंद्र सिंह एरी का फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड। आप जानकर हैरान होंगे कि नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने क्रिकेट के इतिहास में किसी भी फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बन गए हैं, जिन्होंने 9 गेंदों में एक अतिशी पारी खेलकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और यह रिकॉर्ड को तोड़ना 99% संभावित नहीं है। उसके बाद आता है नेपाल के बैटर कुशल मल्ला की फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड। बता दें कि उसी मैच में कुशल मल्ला ने 33 गेंदों में महज 137 रन बनाकर किसी भी फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बैट्समैन बन गए हैं। और ये सब कारनामे के बाद नेपाल की टीम ने T20 इंटरनेशनल में 300 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है, जिसके बाद उस सूची में अफगानिस्तान का नाम शामिल है, जो कि T20 में 278 रन करके हाईएस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। और नेपाल का यह रिकॉर्ड भी टूटना बहुत मुश्किल है। तो ये थे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि नेपाल की टीम ने हाल ही में मंगोलिया के साथ हुए मैच के दौरान बनाए थे। लेकिन अब जो 2 बातें आपको बताने जा रहे हैं उसको लेकर भी नेपाल की टीम सुर्खियों में छाई हुई है। बता दें कि कुशल मल्ला ने अपने फास्टेस्ट सेंचुरी के दौरान एक ही पारी में सबसे ज्यादा 12 छक्के लगाकर गेल को भी पीछे पछाड़ते हुए विश्व में 5वें स्थान पर अपनी जगह बना ली है। और दूसरी ओर नेपाल के एक गेंदबाज अविनाश वोरा ने एक ही मैच में 11 रन देकर बेस्ट T20 बॉलर की सूची में 7वें स्थान पर अपना नाम दर्ज किया है। तो यही थे उभरते हुए नेपाल टीम की कुछ कारनामे, जिसे देखकर बड़े से बड़े खिलाड़ी भी चौंक गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या नेपाल की टीम इस साल एशियन गेम्स का खिताब जीतने में कामयाब हो पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना।